अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां है शेफ फैसल तांजी सोपिया कुकिंग शो में सब खैर से हुंदा। मज़ेदार रेसिपी सांझे ला खणी अचूं था। तांजी फरमाइशों भी पूरी क्यों पिया। गर्मियों के हिसाब से भी काफ़ी सारा खाधा हाँ तक ठाण सेखार पा। जी अंबड़ी जो सीज़न आए तो अंबड़ी जी काफ़ी सारी शूं तक ठाण सेखारा पे। अज असा ठाई पाया अंबड़ी जो शरबत। यो शरबत अड़ो आ कि तुम 6 महीनों तीन साल तीन भी रखी सो तो प्रिजर्व कर तमाम बेहतरीन ये शरबत टो। उनका गुड ठाईदी करेला भरियल मसालो भरियल करेला, ठीक है। कीमे वारा भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ठाई सकांदम कीमा भरियल करेला। अज टाइम पे मसाला भरियल करेला इनमें अंबड़ी सा असो मसालो जो बसर अंदर मसाला वेंदा उनमें अंबड़ी भी विझंदी ताकि इनके अंदर चटपटो कड़ो फ्लेवर अच्छे। तमाम बेहतरीन रेसिपी है। डिफरेंट तरीके से ठाए पे धागो भी ना बदबो इनके। फ्राई भी डिफरेंट तरीके से कंदासी दम से ठाईदी। जरूर ट्राई कजो। सुबह 9 बजे रिपीट हलन स्क्रीन से नंबर ले पो। का भी गाल पुछनी हुए का भी रेसिपी की फरमाइश करनी हुए कॉल कर सोता। एनएक्स असा गुड एनएक्स में है जूसर ब्लेंडर चॉपर हैंड बीटर हैंड मिक्सर माइक्रोवेव ओवन वगैरह तमाम बेहतरीन है। ये मशीनों तामू में इस्तेमाल कह ये वो तमाम ईजी ती कुकिंग थी वी। आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार। गर्मियां हैं, गर्मियों में हमारी नीड होती है कि शरबत पिए। कुछ डिफेंसिव रेसिपी हो हमारे पास ऐसा कुछ शरबत हो कि गर्मी भी ना लगे तो विटामिन सी है केरी के अंदर बहुत ज़्यादा, ठीक है। विटामिन सी की मकदार बहुत ज़्यादा है केरी के अंदर और लू से भी बचाती है। केरी का अगर हम शरबत पीते हैं तो लू से भी बचाता है। गर्मी बहुत ज़्यादा आने वाली है और अब शुरू भी हो गई काफ़ी रियाज़ में, ख़ासकर सिंध में तो बहुत ज़्यादा पंजाब साइड में गर्मी है। तो ये केरी का शरबत आप 6 महीने तक रख सकती हैं प्रिजर्व करके। मैं बनाऊँगा 1 लीटर तक का, ठीक है। आप जितना ज़्यादा बना सकती हैं बनाएँ जितना आपका दिल करे। और ये इतना ज़बरदस्त है, कोई शरबत कोई चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप ये केरी का शरबत पिएं, बच्चों को पिलाएं। बच्चे स्कूल से आते हैं बना के रखें फ्रिज में और बच्चों को दें, गेस्ट आते हैं उनके लिए बेहतरीन ये शरबत बनेगा। करेलों की फरमाइश भी आ रही थी, आज मैं बना रहा हूँ मसाला भरे करेले, बहुत ही मज़ेदार। और इसको फ्लेवर देने के लिए हम इसमें केरी का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी केरी जाएगी तो इसमें चटपटापन आएगा। मसाले सारे वही हम इस्तेमाल करेंगे जो हमारे घर के अंदर मौजूद होते हैं और थोड़ा डिफरेंट करके बना रहा हूँ। अक्सर हम क्या करते हैं करेलों को धागा डाल बांध के फिर उसको डीप फ्राई या शेलो फ्राई कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दम पे बनाएंगे और फ्राई किए हुए करेलों के अंदर मसाला बनेंगे। बहुत यूनिक और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कल सुबह 9 बजे रिपीट चलेगा। और लाइव का जो हमारा टाइम है वो है बुध जुमेरात जुम्मा। डेली बुध जुमेरात जुम्मा हफ्ते में 3 दिन लाइव होता हूँ 4 से 5। दूसरे दिन सुबह 9 बजे रिपीट चलता है, यानी जुमेरात जुम्मा हफ्ता रिपीट चलता है 9 बजे। और स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, कोई भी फरमाइश करनी हो कुछ भी पूछना हो कॉल करके पूछ सकते हैं। एनएक्स हमारे साथ, एनएक्स में है जूसर ब्लेंडर चॉपर हैंड बीटर हैंड मिक्सर माइक्रोवेव ओवन वगैरह सब अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। करेलों की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। करेलन की रेसिपी ला असंख्य छा खपे इतने करेला असा खाया 1 किलो, ठीक है। 1 किलो करेलन के छा कंदो छिलंदो, पहिरीं चंगी तरह पानी सां धोइजो, धोइण खां पोइ इनखे छिलंदो। छिलण खां पोइ हिन जो कट लॻंदो, कट लॻाई ऐं चमचे जी मदद सां इनजा सॼा ॿिज कटी वठिजो, ठीकु आहे। हे काफ़ी सारा आहिनि ऐं करेला दरमियाने साइज़ जा खणबा आहिनि। वॾा करेला अॼुकल्ह अचनि पिया जेके चाइना जे ॿिज खां तयारु कया वेंदा आहिनि, उहे करेला न वठो। देसी तरीक़े जा नंढा करेला आहिनि, उहे वधीक सुठा हूंदा आहिनि, वधीक टेस्टी हूंदा आहिनि, ठीकु आहे। 1 किलो करेला आहिनि, इनके कट लगायो, पहिरीं छिलंदो, छिली इन जा बिज कटंदो, पोइ इनके कट लगाई बिज कटी, पोइ इनके तां लूण लगाइंदो। लूण लगाए चंगी तरह तकरीबन 2 खाइण जा चमचा लूण लगाइंदो, इनके छाणी में रखी छॾिजो ऐं हिन तरीक़े सां रखिजो, हीअं सीधा करी हीअं बीहारे छॾिजो किनारे सां, ठीकु आहे। ताकि इन जो जेको पाणी आहे उहो सॼो निकिरी निकिरी छाणी में हलंदो वञे, ठीकु आहे। 1 कलाक खां पोइ इनखे थधे पाणी सां धोईंदो, बर्फ़ वारो पाणी जो असां कूलर में ठाहींदा आहियूं न पाणी, बर्फ़ जंहिंमें हूंदी हुन पाणी सां धोईंदो त कॾहिं बि कोड़ा न थींदा आहिनि। बर्फ़ वारे पाणी सां गॾु धोई वरी तव्हां इनखे 1/2 कलाक छॾिजो, पोइ इनखे तव्हां अॻियां जो प्रोसेस ॿुधायां थो। कॉल वठूं था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, ने सफल भाई ने बात करो, रियाना कंडोलिया जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? हां जी, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। कुछ कहना चाहेंगी? जी हां, हमारी बहन कॉलर है ना आपकी, परा मीरपुर खास से बात करती हैं। जी जी, मैं उनकी बहन सिस्टर हूं, मैं उनकी कंडोलिया से बात कर रही हूं। ठीक ठीक, कुछ कहना चाहेंगी? बताते ना आज ये आपकी रेसिपी बनाती ना, मैं ट्राई करती हूं आपकी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश है आपकी? आज ही फरमाइश है, नींबू हरी मिर्च का अचार बता दें। नींबू और हरी मिर्च, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक बनाऊंगा अचार डिफरेंट किस्म के, उसमें है नींबू और हरी मिर्च का अचार, जरूर देखिएगा, ठीक है। मेरे घर वाले देख रहे होंगे, उनको सलाम कीजिएगा। चलें, मेरी तरफ से पूरे आपके घर वालों को बहुत सारा सलाम, ठीक है। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, उनका पो लूण लगाने का पो वरी बर्फ़ वाले पानी सा धोई दो, पानी सा धोई वापस इनके रखी छजो थोड़ी देर छाणी में खुश्क थी वने
उन बाद इनके फ्राई कर छो एक कप ऑयल खणजो उनमें तुम करेलन के फ्राई कर छो कच्चे करेलन में अस मसालो ना पाया भरूँ फ्राई कर छासी फ्राई कर चंगी तरह ये रखो कि जो अंदरा ऑयल निकली वे ये सब फ्राई थे मुख्तलिफ तरीका हूँ करेला ठाण जहाँ ही आसान तरीको है मज़ेदार तरीको है। ठीक है करेले ये किस तरह आपको नज़र आएंगे कि फ्राई हुए हैं वरना हम क्या करते हैं कच्चे करेले साफ़ करके उसके अंदर हम मसाला भरते हैं फिर हम धागा बांध के फ्राई करते हैं उसमें क्या होता है आधा मसाला जल भी रहा होता है निकल भी रहा होता है बाहर धागों से और फिर वो बहुत मेहनत से हम धागे खोल रहे होते हैं दोबारा खाने के लिए। तो इससे बेहतर मैंने इजी वे में आप लोग के लिए तरीका लाया हूँ एक किलो करेले दरमियाने साइज़ के लें देसी करेले यूज़ किया करें एक बहुत बड़े बड़े इतने बड़े बड़े करेले आ रहे होते हैं वो चाइना के खा बीजों से बनते हैं उनमें टेस्ट नहीं होता वो बहुत पानी उसमें नमी बहुत होती है। तो देसी करेले लें छोटे दरमियाने साइज़ के उसको आपने छीलना है प्रोसेस बताता हूँ आगे कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं जी मैं बुखार से फराह फैजल भाई चटनी की फरमाइश की थी ना बनाई मैंने माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी जो कल बनाई थी चलें अच्छी बात जी, है जी, ठीक ठीक जी, आपकी दादी को पसंद आई उनकी फरमाइश थी ना ये भाई मेरी दादी नहीं है अम्मी है अम्मी है अच्छा मैं आपकी दादी जी, समझ रहा था अच्छा सॉरी नहीं नहीं अम्मी कहने लगी फैजल ने मुझे दादी बना दिया वो उस दिन मैं समझा था दादी बोल रही है ना चलें कोई बात नहीं सब बहने भाई छोटे मेरे दो छोटे भाई भी बैठे हुए सब दुआ करें आप हज उमरा करें क्या करूं हज उमरे पे जाएं आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब अल्लाह बुलाएगा इंशाल्लाह जरूर जाएंगे जी, जी भाभी के साथ जाएं आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर ठीक है अपना ख्याल रखिएगा जी 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 एक मेरी छोटी भांजी उससे बात कर लें जरा करा दे करा दे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम क्या हाल है बेटा क्या नाम है आपका आप बहुत अच्छी चीज बनाते हैं अच्छा चलें ठीक है मैं मेरी खाला सब बनाती है अच्छा खाला सब बनाती है चलें ठीक है कच्चा बनाना सिखाते हैं और मेरे मामू और नानी को सलाम करते चलें आपके खालू और नानी को सलाम ठीक है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा थैंक यू अल्लाह हाफिज। अच्छा करेलों का मैंने बताया कि करेले हमने देसी लेने हैं दरमियाने साइज़ के करेलों को छीलना है फिर वॉश करना है कट लगाना है कट लगा के छोटा जो टीस्पून होता है ना इससे निकाला करें छुरी से ना निकाला करें टीस्पून से आप हमेशा उल्टे चम्मच से आप बीज निकालें इजीली निकल जाते हैं बीज निकल जाएं नमक लगाएं दो खाने के चम्मच अच्छी तरह लगा के करेलों को छन्नी में रख दें और खड़ा करके रखें ताकि इसका जो पानी है ना वो रिसता रहेगा निकलता रहेगा एक घंटे के बाद आपने ठंडे पानी से बर्फ़ वाला जो कूलर का पानी होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं ठंडा पानी बना के रखते हैं फ्रिज का उससे आप धोएंगी तो कड़वाहट भी कम हो जाएगी। धोने के बाद आपने फिर इसको छन्नी में उल्टा रख देना ताकि इसके अंदर से पानी निकल जाए। उसके बाद करेलों को एक कप ऑयल गरम करके आपने करेलों को फ्राई कर देना है पहले से फ्राई किए हुए। अब इसका जो अंदर मसाला फिलिंग वाला है वो किस तरह बनेगा वो मैं बताता हूँ ठीक है। ये हमारे पास हैं चार आठ नौ दस ग्यारह बारह करेले हैं हमारे पास ठीक है एक किलो में दरमियाने साइज़ के बड़े करेले होंगे तो वो ना लिया करें वो क्या होता है जो बड़े करेले होते हैं उसमें पानी ज़्यादा होता है वो जो डार्क ग्रीन कलर के आजकल आ रहे हैं मोटी स्किन वाले वो ना लें देसी करेले इस्तेमाल करें। कॉल बटूता अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो कॉल आए छा यहाँ पे हमने लेने हैं प्याज दरमियाने साइज़ के चार प्याज बड़े हैं तो तीन ठीक है दरमियाने साइज़ जन चार वडा हैं तो टे। अच्छा मैं ये चॉपर यूज़ कर रहा हूँ जिनके पास चॉपर नहीं है तो फिर आपने क्या करना है इमाम दस्ते में कूट लें या बिल्कुल फाइन चॉप कर लें जैसे हम ऑमलेट के लिए चॉप करते हैं बारीक ठीक है उस तरह तीन बड़े प्याज या चार मीडियम साइज़ के प्याज टे वडा बसर या चार नंढा बसर दरमियाने साइज़ जा चंगा हुजण खपन टे कप जितना बसर हुजण खपन छाकाणि त करेलनि जे अंदरि भरंदासीं ऐं हुन सां गॾु तव्हां छा कंदो कि बसर खे चङी तरह या त चॉपर में लाइ अगरि चॉपर न आहे त उखरी मोरी में कुटे सघो था या बारीक कटिंग कंदो दो अदद हरी मिर्चें या तीन अदद अगरि तेज़ हैं तो दो नॉर्मल हैं तो तीन से चार डालेंगी। हरी मिर्चें डालने के बाद हम इसमें क्या डालेंगे करेलों के बीज करेलों के बीज में बहुत ज़्यादा थे लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं लिए एक कप जितने करेलों के बीज ये ऑप्शनल हैं पसंद है तो डालें ना तो ना पसंद है तो ना डालें लेकिन इससे फ्लेवर अच्छा आता है। करेलन जब बीज भी विझंदासीं इनमें एक कप जितना करेलों के बीज चले गए एक कप और करेलों को जो छिलके होते हैं ना वो फेंके नहीं करेलों के छिलके बहुत फ़ायदेमंद होते हैं खासकर शुगर पेशेंट्स के लिए। कॉल लेते हैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी सलाम वाले सलाम फैसल भाई जी फैसल बात कर रहा हूँ कौन कहाँ से बात कर रहे हैं जी मैं आपदा बात कर रही हूँ फैसल भाई हाँ कैसी हैं आपदा ठीक है आप
जी जी ठीक ठाक खैरियत से। आप ठीक है फैसल भाई? मैं अल्लाह का शुक्र। सिन टीवी आ रहा आपकी तरफ? जी जी फैसल भाई कल आया था, कल लाइट चली गई, आपका प्रोग्राम शुरू हुआ तो आपने नरगिस के कोफ्ते बना रहे थे। हाँ, सुबह रिपीट भी चलता है ना 9 बजे। जी जी सुबह भी लाइट नहीं थी मेरी ना, तो फिर यूट्यूब से मैंने देख लिया था। ठीक है, आ रहा था प्रोग्राम लाइट से तो मैंने कहा चले फैसल भाई से बात। ठीक है, अच्छी बात है। करेले बना रहे हैं आप? जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मजेदार रेसिपी, डिफरेंट सी ना। चले सही, ठीक है सर भाई, कोई हमारी भी फरमाइश पूरी कर दे। कोई मेरी वो चटनी मैंने कहा था वो जाना वो कशिश वाली वो चटनी मुझे बनाने सिखा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा ताकि मैं लिख लूं डायरी में, तो फिर इंशाल्लाह मैं बना दूंगा। ठीक, लसूड़े और आम का अचार वो इंशाल्लाह जल्द बना दूंगा। ठीक है, अब कमिंग वीक्स में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। एक कप जितने हमने बीज डाले थे, और यहाँ पे करेलों के जो छिलके हैं ये भी डाल रहा हूँ, ये ज़ाया ना किया करें, ये बहुत मज़े के होते हैं। बहुत से लोग करेलों के बीज फेंक देते हैं, छिलके फेंक देते हैं, छिलकों को फ्राई करके खाया करें। मेरे घर में करेले जब बनते हैं ना तो हम छिलके जो हमारे होते हैं ना वो करेलों को फ्राई करते हैं, तवे पे फ्राई करके हरी मिर्च वगैरह कुटी लाल मिर्च डाल के, बहुत मज़े के होते हैं। थोड़ा सा लेमन जूस ऊपर से डाल के खाएँ आप, बड़े ज़बरदस्त क्रिस्पी से बनते हैं। बहुत से लोग फेंक देते हैं, फेंका ना करें। करेलन जा छिलका विझी छड़िया जितरा भी मथा लथा बिज वधी कुजन तो घट करे छो, एक कप उजन खपन। ठीक है, अब इसमें हम डालेंगे केरी। मेरे पास एक केरी थी, हाफ कप से थोड़ी ज़्यादा है, छोटी केरी। ठीक है, छोटी केरी है और इसके ये एक साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो इस तरह पीसेस करके केरी इसमें डाल देंगे। ये डाल दिया, इसके बाद हम इसमें डालने केरी डालने के बाद इसको चला लेंगे, बिल्कुल चॉप कर लेंगे। ठीक है, अच्छा ये ऑप्शनल है, अगर ये नहीं है तो आप इसको कूट के भी बना सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल 2 मिनट में हो जाता है, इसीलिए कहता हूँ चॉपर ये आपके पास होना चाहिए। इसमें गोश्त कीमा हर चीज़ आप पीस सकती हैं, सब्जियों की भी काफ़ी सारी आपकी मदद हो जाती है। 5 मिनट में आपकी सब्जी। बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना, दरदरा सा हो गया। ठीक है, इलाही पेस्ट ना करो, जो कुटियल हों ना उन तरीके से ठाणो। हाँ कहसी जै पतीले में असाखे ठाणो है मसालो, उनमें अस विजासी कुकिंग ऑयल। अच्छा, कुकिंग ऑयल जो एक कप आपने करेलों के लिए लिया, तो जब आप करेले फ्राई करेंगे तो आधा कप तो वैसे ही करेले पी जाएंगे, आधा कप बचेगा ना उसी में से आपने यूज़ करना है ऑयल। तो यहाँ पर हमने 3 से 4 खाने के चम्मच काफ़ी है, 3 टेबल स्पून लिया कुकिंग ऑयल, 1/4 चम्मचा कुकिंग ऑयल खाए। अब इसमें ये जो मसाला है ना ये डाल के इसमें फ्राई करेंगे, क्योंकि मसाले का जो मॉइस्चर है, जो इसका पानी है, वो हमें ख़त्म करना है, सुखाना है। ठीक है, मसाले में जो पानी आए अंबड़ी जो बसरन जो छिलकन जो ये सजो असाखे खुश्क करना है। ठीक है, जो इसका मसाले का जो पानी होता है ना ये हमने फ्राई करके खुश्क करना है। तो जैसे ऑयल यहाँ गर्म होगा यहाँ पर हमने डाल देना है ये सारा मसाला। अच्छा, मसाला जो ज़्यादा मैंने बनाया करेलों से जो बचेगा ना मसाला भरने के बाद, वो हम फिर इसके दम में जब करेले लगाएंगे तो उसके नीचे भी रखेंगे मसाला, ताकि ये आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी आ जाए। कॉल बटूता, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कह रहे कि थंग लायो प्या जी? तो फैसल भाई बनायो? जी जी फैसल गलाए पियो। कुकिंग और फैसल भाई जी जी तंग फोन किथे कइया ता सिंध टीवी ते फोन कइया ना? हेलो, ता सिंध टीवी में फोन कइया ना कुकिंग शो जो जी, जी। जाहिर है पो माई गलाए पो ता सा। जी जी भाई, आज आप क्या बना रहे हो? मैंने अभी टीवी चलाई है, अभी देखा है मैंने, तो मुसा भी सिंधी में गलायो हने उर्दू छो पे गलायो? कंफ्यूजन चैट। अच्छा, यहाँ पे मसाला मैंने डाला 3 खाने के चम्मच ऑयल गरम करके, इसमें सारा जो हमने हरा मसाला ग्राइंड किया था ये डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, कितना कुटा हुआ पेस्ट, पानी वाला नहीं होना चाहिए, कुटा हुआ अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, ये 2 खाने के चम्मच, 2 खाने जा चम्चा अदरक थूम जो पेस्ट हली वो, अदरक थूम जो पेस्ट 2 खाने जा चम्चो विधो, इनके फ्राई कंदासी जेस ताईं जो पानी मसाले जो खुश्क थी बने। ठीक है, अब मसाले तेज़ आंच पे फ्राई करना है ताकि इसका जो पानी है ये खुश्क हो जाए। और अगर आपको बीज नहीं पसंद तो आप बीज ना डालें, सिर्फ छिलके डाल दें, और अगर छिलके भी नहीं पसंद तो फिर छिलके और बीज भी ना डालें, आप सिर्फ प्याज के साथ अदरक लहसुन हरी मिर्च के साथ बनाएं केरी के साथ। लेकिन क्या है, छिलकों से इसमें फ्लेवर आएगा। जब केरी का सीज़न ख़त्म हो जाए तो फिर आप इसमें अनारदाना डालेंगे 1/2 कप कुटा हुआ, ये आपको बता दूँ। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सखा से बात कर रही हूँ जी, कुछ कहना चाहेंगी?
जी भाई, मैंने अभी टीवी चलाई है, अभी देखा आपका शो। मैं पूछ रही थी कि आप आज क्या बना रहे हो? करेले, भरे हुए करेले, प्याज और केरी के मसाले के साथ। अच्छा, ये दोबारा बताओ तो। ठीक है, आप टीवी की तरफ जाए, मैं बताता हूँ, ठीक है? ओके जी। इनके चंगी तरह खुश करणो आ, तेज बाहे ते छा करण ता इन जो जको पानी आ पेरी यो खत्म थिंदो, उन जे बाद असन ने मसाला ऐड करना सी, ठीक है? अब ये फ्राई हो रहा है, अब यहाँ पे मसाले इसमें क्या जाएंगे, कुटे हुए मसाले भी जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर मसालों से ही फ्लेवर आएगा, ठीक है? ब्रेक का टाइम आ गया है, शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं। इसको मैं फ्राई कर रहा हूँ हल्की आंच पे, जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा मैं इसको बंद कर दूंगा, फिर इसमें मसाले डाल के इसको थोड़ा और भूनेंगे, तब तक कहीं नहीं जाएगा। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, एक शॉर्ट ब्रेक देने तक काटे ना जो जिस दिन जो मसालों खुश्कती है, बाकी शयून में छाविज में ब्रेक कर। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं जेको तव्हांजे साम्हूं हे मसालो आहे, हिन खे चङी तरह मां हिते फ्राई कयो आहे, ठीकु आहे? ये जो हरा मसाला था न, इसका पानी खुश्क होने लगा है, ऑयल ऊपर आने लगा। अब इसकी आंच हल्की करते हैं और इसमें क्या क्या मसाले जाएंगे जो हमारे घर में मौजूद होते हैं, ये आपने नोट करने, डिटेल में सारी एक एक चीज़ बताऊँगा। मसाला इनमें छा वेंदा इहो ॾिसंदा रहिजो। हाणे साबित धाणा गोल वारा कुटियल, हिनमें वेंदा टे खाइण जा चमचा। साबित धाणा गोल जेके हूंदा आहिनि कुटियल, टे खाइण जा चमचा। हेड हिकु चांहि जो चमचो, लूणु हिकु चांहि जो चमचो, ज़ीरो कुटियल हिकु खाइण जो चमचो, टेबल स्पून चांवर खाइण वारो, ठीकु आहे? कुटियल ॻाढ़ा मिर्च ॿ चांहि जा चमचा, सौंफ कुटियल टे खाइण जा चमचा, ठीकु आहे? या ॿ खाइण जा चमचा करे वठिजो सौंफ कुटियल। हे आहे गरम मसालो पाउडर हिकु चांहि जो चमचो, अजवाइण अधु चांहि जो चमचो। वरी ॿुधायां पियो, साबित धाणा कुटियल टे खाइण जा चमचा, कुटियल ॻाढ़ा मिर्च ॿ चांहि जा चमचा, हेड हिकु चांहि जो चमचो, लूणु हिकु चांहि जो चमचो, ज़ीरो कुटियल ॿ चांहि जा चमचा, सौंफ कुटियल टे चांहि जा चमचा करे वठिजो, ऐं अजवाइण अधु चांहि जो चमचो, गरम मसालो पाउडर हिकु चांहि जो चमचो। कॉल वठूं था, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, हेलो, मुझे सर से बात करनी हो, बोलना है काली पत्ता सिखा दो बनाना। क्या कह रहे हैं? मुझे भाई से बात करनी है, मुझे पकाना सीखना है। आप प्रोग्राम देखें ना, मैं बताता जा रहा हूँ। कौन से सिटी से बात कर रहे हैं? हैदराबाद से। ठीक बात कर रही जी, कुछ कहना चाहेंगे, क्या सीखना है आपने? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आप देखें, बात करें, टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, लाइव शो है। करी पत्ते बनाना सिखा दें। क्या बनाना सिखा दूं? करी पत्ते बनाना सिखा दें। आप यूँ करें, कंट्रोल रूम में बात करें, ठीक है? ओके। आप यहाँ पे देखें, मजाक के लिए आप कॉल करना अच्छी बात नहीं है, इस तरह गलत बात है। कड़ी पत्ते आपको पता है ये बनाने के नहीं होते, मजाक करने के लिए नहीं होते, लाइव शो है, ठीक है? इस तरह कॉल्स करके डिस्टर्ब ना किया करें, कॉलर्स भी डिस्टर्ब होते हैं, मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ, टाइम भी वेस्ट हो रहा होता है हमारा। तो आपका CLI पे भी नंबर आ जाता है, ठीक है? अब ये कि हमारा यहाँ पे हो गया है ये मसाला, इसमें हम क्या डालने वाले हैं? साबित धनिया कुटा हुआ 3 खाने के चम्मच, साबित धनिया कुटा हुआ 3 खाने के चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच या 1.5 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, ये पिंक सॉल्ट है, आप देख रहे होंगे ना कलर चेंज लग रहा होगा, पिंक सॉल्ट है, नॉर्मल नमक यूज़ करें 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा कुटा हुआ 2 चाय के चम्मच, सौंफ कुटा हुआ 2 खाने के चम्मच या 4 चाय के चम्मच, अच्छा खासा सौंफ होना चाहिए, ठीक है? अजवाइन 1 चाय का चम्मच या आधा चाय का चम्मच, ठीक है? लेवल में आप अपने हिसाब से रखिएगा। और गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, साबित धनिया कुटा हुआ 3 खाने के चम्मच जिसे हम चावल खाते हैं, और 2 चाय के चम्मच या 1.5 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च कर दीजिए, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, सौंफ कुटा हुआ 4 चाय के चम्मच या 2 से 3 खाने के चम्मच कर दें, सौंफ से फ्लेवर अच्छा आएगा। अजवाइन आधा चाय का चम्मच या थोड़ा ऊपर ले जाएं, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच। अब ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल दी, ठीक है? मैंने चूल्हा बंद कर दिया था क्योंकि मसाला हमारा जले ना, बस इसको 1 मिनट हल्का सा घुमाना है इसके अंदर चूल्हा ऑन करके, उसके बाद इस मसाले को हम ठंडा करेंगे। ठंडा करके मसाला सारा करेले जो फ्राई किए हैं इसके अंदर भर देंगे। भरने के बाद फिर इन करेले को इसी पतीले में हम दम पे लगाएंगे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि करेलों का जो मसाला ठंडा हो गया वो गर्म हो जाएगा, करेले भी फ्राई हुए हैं ठंडे हो गए गर्म हो जाएंगे, फिर आप इसको खाएं, बड़ी ज़बरदस्त डिफरेंस ही आपको ये रेसिपी मिलेगी, ठीक है? बस ये मिक्स कर दिया, अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया। हाँ, मसाला मैं मिक्स किया, चूल्हो बंद कर छो, हाँ चूल्हो बंद करने का पॉइंट में सावा धाणा असं विझंदासीं,
सावा धाणा तकरीबन ब खाने जा चमचा कटिंग करे आई बारीक कटिंग करे इनमें भिजंदासी। ठीक है, 2 टेबल स्पून जितना हरा धनिया बारीक कटिंग करके इसके अंदर हम डाल देंगे आखिर में। हरा बहुत ज़्यादा हरा धनिया नहीं डालेगा, 2 टेबल स्पून काफ़ी है। अब ये मसाला मिक्स करके मैं प्लेट में निकाल दूंगा, इसको ठंडा करेंगे, इसको मैं भेज दूंगा ठंडा करने के लिए। उसके बाद ये मसाला भरा जाएगा करेलों में। ठीक है, और फिर हम इसी पतीले में करेलों को दम पे लगाएंगे। बहुत मुख्तलिफ सी रेसिपी बना रहा हूँ, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब ये सारा मसाला हम निकाल लेते हैं, सजो मसालों कटी इनके थदो करे, ताकि एतरो थदो कजो कि तुम हथ ना सड़े पो, तां हल्को नीम थदो गरम हो जे। ठीक है, कॉल वठूं था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वा अस्सलाम सर, फैसल से बात करनी है। जी फैसल बात कर रहा हूँ, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? कराची से। कुछ कहना चाहेंगी? जी सर, वो ना लच्छा गोश्त बनाया था आपने। क्या बनाया था? लच्छा गोश्त। जी जी, वो आप मुझे बनाना सिखा दिए फिर से बनाना सिखा दूँ? आप यूट्यूब पे देख लेना। सर मैंने देखा था लेकिन मिल रहा नहीं है, लेकिन मैं तो आपकी बड़ी फैन भी हूँ, आप बहुत मजे के खाने बनाते हैं। अच्छा। और मेरी मम्मी तो बहुत रेसिपीज आपकी अप्लाई करती हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं 1 से 1.5 हफ्ते में बना दूंगा आपको। ठीक है, थोड़ा वेट कीजिएगा। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। अभी देखें मसाला है ना, इसको मैं ठंडा करने के लिए रखूँगा। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा फिर इन करेलों के अंदर आपने ये मसाला फिल करना है, जिस तरह पूरा फिल करना है, धागा नहीं बंधेगा। भरे हुए करेले हम इसी पतीले में वापस रखेंगे और जो मसाला बच जाएगा वो नीचे से रख के उसके ऊपर करेले रख के इसको 10-8 मिनट हल्की आंच पे दम पे रखेंगे ताकि ये थोड़ा गर्म हो जाए। हाने मसालो थदो थिंदो, करेला असाया फ्राई थियल आहिनि, करेलनि जे अंदर ये मसालो सॼो भरंदो चंगी तरह, धागो नाहे बधणो। अॻियां जो प्रोसेस तव्हांखे ॾेखारां थो। ठीकु आहे, ये ले लें और इसको ठंडा करके इसके अंदर भरना शुरू करें। और ये जब तक भरेंगे हम क्या करते हैं, सेकेंड रेसिपी पे आते हैं। सेकेंड रेसिपी हमारी क्या है? सेकेंड रेसिपी हमारी है शरबत, केरी का शरबत। बहुत ही ज़बरदस्त। इस पतीले को साइड में रखते हैं, फिर इसमें हम बनाएंगे। अब केरी का शरबत बनाने के लिए हमने क्या लिया, यहाँ पे हमारे पास एक केरी, 1 किलो केरी लेंगे। केरी को जब छीलेंगे उसकी गुठलियाँ हटाएंगे तो उसका वज़न हो जाएगा 0.5 किलो के करीब या 600 ग्राम। ठीक है, और उसको फिर आपने क्या करना है, 3 गिलास पानी के साथ केरी को आपने करना है बॉयल। ये देखिए, ये केरी हो गई है बॉयल 3 गिलास पानी के साथ। जब पानी के साथ बॉयल हो जाए, पहले कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ओ टीवी में डिसन पेशर। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया केरी का, जब पानी आप देखेंगी 1 गिलास के करीब रह गया, केरी गल गई, कलर चेंज हो जाएगा, नरम हो गई बिल्कुल हलवे की तरह। फिर इसको हमने ठंडा करना है, इसके बाद हमने इसको ब्लेंडर में चला देना है। 1 किलो अंबड़ियों खयूँ, छिलको लाइंदो, उनका पो पीसिस करे अंबड़ियों जो तकरीबन 600 ग्राम या 0.5 किलो बचंदियूँ, खखड़ियों और छिलको लाइन का पो। उनके पो तां 3 गिलास पानी से गड दरमियानी बाहे ते ढक डई केरी के अंबड़ियों के एडो पचाइणो आ कि 1 गिलास इन अंदर हे पानी रहिजी वियो, घाटो और अंबड़ियों सफ़ा ॾिसो नरम थी वयूं आहिनि, सफ़ा हलवे वांगुर नरम थी वयूं आहिनि। ठीक आहे, 3 गिलास पानी से गड कंदो, अगर खखड़ियों से गड भी बॉयल कियो पे तो बाद में खखड़ियों जो कटी वठजो ताकि उनके मथा भी जो लगल है अंबड़ी वो भी निकरी अचे। गुठलियों के साथ भी आप कर सकती हैं पीसेस में, गुठलियाँ भी इसमें बॉयलिंग में रखते हैं क्योंकि गुठलियों के ऊपर भी जो गूदा लगा हुआ होता है ना वो भी ज़ाया ना करें, वो भी सॉफ्ट हो जाएगा तो निकल जाएगा। अब ये ठंडा हो चुका है, ये प्रोसेस हम पहले कर चुके हैं ताकि प्रोग्राम के टाइमिंग के हिसाब से हम पूरी आपको रेसिपी दिखा सकें। ठीक है, तो ये पूरा जो है मिक्सचर इसको हम डालेंगे जूसर ब्लेंडर में। ठीक है, हाँ इनके जूसर ब्लेंडर में विझंदासीं, एनएक्स का जूसर ब्लेंडर है मेरे पास। अब ये सारा मैं इसमें डाल के इसको एक दफ़ा चलाएंगे और उसके बाद इसको छानेंगे ताकि इसमें जो रेशा आ जाता है ना, आजकल तो कच्ची केरियों में नहीं है लेकिन अक्सर केरी में रेशा भी होता है तो वो जाला सा बन जाता है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये सारा निकाल दिया हमने। ठीक है, ये सजो मिक्सचर कटी छो आई हाँ इनके हलाई चंदा, पानी नहीं डालेंगे इसका, जो अपना पानी उसके साथ ही इसको आपने कर देना है ब्लेंड। बहुत बहुत शुक्रिया। कौन से सिटी से बात कर रही हैं? बहुत अच्छी। कौन से सिटी से बात कर रहे हैं? हैदराबाद। कहाँ से?
हैदराबाद से। अच्छा, हैदराबाद से कुछ कहना चाहेंगी? फरमाइश है। मैं एग्री करना चाहूंगी, आपका शो बहुत अच्छा है और मैं सारी रेसिपी फॉलो करती हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छे खाने बनाते हैं। मुझे पहले बिल्कुल बनाना नहीं आता था, लेकिन अब माशाल्लाह से शो देखती हूँ, मुझे रेसिपी बनाना आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। कोई फरमाइश है आपकी? जी हाँ, अच्छा तरह हमने सिंधी बिरयानी बनाना सिखा दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। सिंधी बिरयानी, ठीक है, मैं नोट कर लेता हूँ, इंशाल्लाह जल्द बनाना सिखा दूंगा। ठीक है, शुक्रिया। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये देखिए सारा पल्प जो इसका है, ये इसमें आपने डाल देना है। ठीक है, सादियों अंबड़ियों जो जो गूदो आए ना, ये सब जो है जिंदा विजन दो। ये देखिए, अब इसको अच्छी तरह आपने छानना है, क्योंकि इसमें कभी कभी रेशा आ जाता है कुछ केरियों में। इसमें हल्का सा देखिए अभी आ गया रेशा, ये निकल जाए, पार्टिकल से बनते ना ये सारा निकल जाए। हाँ जी, कोई अंदर रेशो जारी में चिमड़ी पे हुआ है, बिल्कुल क्लियर थी हुई, आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, ये इसके अंदर रेशा आया है, वो निकाल दिया मैंने। ठीक है, अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, पानी लेंगे थोड़ा सा, हाफ कप जितना जग में जो रह गया है ना मिक्सचर, ये थोड़ा इसके अंदर घुमा लेंगे। हाफ कप पानी इस मिक्सचर में आपने घुमा लेना। ठीक है, अध कप जो पानी है इन मिक्सचर में तक घुमाई दो, ताकि इनके अंदर जो रह जी हुआ यो भी निकली अच्छे अच्छी तरह। ही पूरा मिक्सचर आपने निकालना है। अच्छा, ये एक लीटर तक बनेगा, जैसे एक पूरी शरबत की बोतल होती है। आप ज़्यादा बनाएंगी तो हर चीज़ आपने डबल कर देनी है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा रजिस्टर में या कॉपी में लिखती हैं, तो फिर उसको उस तरीके से लिखा करें कि अगर हमने डबल बनाना है, ज़्यादा बनाना है, तो उसको उस हिसाब से क्वान्टिटी बढ़ा देनी है। हाँ, ही सजो इंजे मत्था अच्छी हो, जारो इंजो निकली हो, एक क्लियर थी हो। अब हम क्या करेंगे, इसको रखते हैं साइड में। अब लेते हैं एक क्लियर साफ सा पतीला। ठीक है, इसमें हम डालेंगे आधा किलो चीनी। ठीक है, अगर गुड़ के साथ बनाती हैं, गुड़ के साथ भी बहुत मज़े का बनता है, तो आधा किलो गुड़ लेना है। गुड़ से अगर भी ठाईंदो तो ढाडो सुठो ठाँदो, क्योंकि विटामिन सी है, ये भी गर्मी का तोड़ है, और गुड़ का शरबत भी गर्मी ख़त्म करता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। ठीक है, गर्मी के लिए, तो अगर आप चीनी के साथ बनाती हैं तो चीनी ले लें आधा किलो, अगर गुड़ है तो गुड़ को टुकड़े करके तोड़ के आपने इसके अंदर डालना है। फिर हम इसमें डालेंगे 3 ग्लास पानी मेजरमेंट करके। मेरे पास एक गिलास है, ट्रे गिलास पानी विजंदा सीन में। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम फैसल भाई, ये क्या नाम है, मैंने वो नहीं है प्यारे पाकिस्तान चैनल है ना, जो कौन सा चैनल, प्यारे पाकिस्तान जो पूरे पाकिस्तान की शेयर कराते हैं जो। अच्छा हाँ, तो उसमें मैंने चैनल में देखा था ताबूत चिकन। साबित चिकन तो बहुत तरीके के होते हैं, वो किस तरह का चिकन था? अब उन्होंने बनाना नहीं बताया था, सिर्फ नाम बता दिया था। वो जान के जो खाना चेक नहीं करते हैं जगह जगह जाके, वो खा रहे थे तो वो ये बता रहे थे, तो ना बहुत मजे का बना था और बहुत अच्छा था। कह रहे हैं कि सबसे जो चिक्का चिकन होता ना उससे भी ज्यादा अच्छा होता है वो। अब मुझे देखे, मैं ना देखता हूँ इस तरह के प्रोग्राम, ना मुझे पता है ये रेसिपी, क्योंकि साबित चिकन ना बहुत किस्म के बनते हैं, नाम पता हो ना तो फिर। अब उन्होंने नाम ही नहीं बताया, उन्होंने अपनी तरफ से कोई रेसिपी बनाई होगी तो फिर वो हो सकता है। हाँ, हाँ, कोई होटल वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह है ना वहाँ पर, तो वहाँ पे वो बताया था। नहीं वो इस तरह मुझे नहीं पता चलेगा, आप नाम बताती ना तो फिर मुझे अंदाज़ा होता कि क्या था। देखें हर कोई अपने हिसाब से, ऐसे आप भी अपने घर में कोई मसालों के साथ बना दें, आपने कहा मैंने साबित चिकन बनाया, आपकी अपनी रेसिपी है, तो आप मुझे तो नहीं पता ना आपने क्या डाला है इसमें। जी जी जी, ठीक है ना। बस ऐसा था जैसे वो नहीं था चिकन टिक्का नहीं होता है। हाँ हाँ, चिकन फ्राई की तरह था वो भी रखा हुआ था, वो भी रखा हुआ था। बस ये तो अब मेरी बहन में मुझे पता नहीं ना, मैंने कोई बात नहीं मैंने कहा आप कैसे शेयर करूंगी, चले ठीक है, मालूम हो जाए। नहीं नहीं, और एक बात और ये कि ये जो आपके पास एनएक्स सारी चीजें रखी हुई है ना जी, तो ये ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं? ऑनलाइन आप इनकी वेबसाइट पे जाएं, गूगल पे सर्च करें, इनकी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके ऑनलाइन देख लें, वरना आप हैदराबाद सिटी में रहती हैं? नहीं, मैं तो कराची में रहती हूँ। कराची में इम्तियाज गुल सेंटर, गुल प्लाजा वगैरह में इतने पड़े हुए, आप वहाँ से ले लें जाके। ठीक है, वो तो आपने मुझे बताया था, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ऑनलाइन हो जाए। ऑनलाइन मुझे पता नहीं, आप देख लें वेबसाइट पे होगा तो ऑनलाइन भी हो जाएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें, थैंक यू, जजाकल्लाह। ये देखें अब इसको चीनी को डिसॉल्व करना है, 3 कप पानी आधा किलो चीनी को मैं डिसॉल्व कर रहा हूँ, एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं जब तक चीनी अच्छी सी डिसॉल्व हो जाए। और इसमें थोड़ा सा एक तार का शीरा तैयार करना है, एक तार जो शीरो तैयार थे दो, 1 कप पानी, आधा किलो खंड में थे बॉयल कर पे वटू तक, शॉर्ट ब्रेक, ब्रेकअप हो जाए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हां साम्हूं जेको शरबत ठहे पियो उन जो शीरो तयारु थिए पियो, 1/2 किलो खंडु, 3 ग्लास पाणी पूरा मापे विधो आहे,
वधिक पानी ना विचो। आधा किलो चीनी, तीन ग्लास पानी, एक्स्ट्रा पानी नहीं डलेगा। आधा किलो चीनी, तीन ग्लास पानी। गुड़ के साथ बनाएंगी तो आधा किलो गुड़, तीन ग्लास पानी, ठीक है। अगर गुड़ संग ठाइंदो तो गुड़ अध किलो टे पा पानी, और सॉरी टे ग्लास पानी, कप ना ग्लास। इनके एतरो कारण है कि हाँ इनमें बबल्स ठन पाया, ऐसो शीरो असा तैयार थी, ठीक है। ये आप उंगली चिपक रहे हो ना दोनों फिंगर्स, तब तक आपने इसको पकाना है। अब हम इसमें क्या डालने वाले हैं, दूध। दूध हम सिर्फ डालेंगे दो खाने के चम्मच बस, ठीक है। दो टेबल स्पून इसमें जाएगा दूध, कच्चा दूध नहीं जाएगा, दूध डब्बे वाला डाल दें या बॉयल दूध जाएगा, ठीक है। अब दूध डाला है दो खाने के चम्मच सिर्फ, ब खाण जहाँ चमचा खीर विधो। इनके मजीद बॉयल कंदाजी ब टे मिनट कॉल वटूँ था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? बारो से बात कर रही हूँ ना, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। कुछ कहना चाहेंगी? यही कहना था जी कि आप बहुत, यही कहना था आप बहुत अच्छे खाने बनाते हैं, जो भी बनाते हैं हम जरूर ट्राई करते हैं, अच्छे बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश है आपकी तो बता दें। अभी तो फिलहाल कोई भी फरमाइश नहीं, लेकिन मैंने उन्हें सेवैयां बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी, आपसे पूछा था ना। जी 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 जी। चलें, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, ठीक है। चल ठीक है, ओके अल्लाह। अब दूध डाला ना इसमें दो खाने के चम्मच, तो ऊपर जो झाग बन के आ रही है ना, ये इसके ज़रिए क्लियर हो रही है। देखें इसमें जो फुजला होता है, जो थोड़ी चीनी के कचरा होता है, वो सब निकल आएगा। ये देखें दूध दो खाने के चम्मच डाल के मैं प्याले में डालता जा रहा हूँ, हल्का हल्का ऊपर जो झाग आ रहा है ना, इसको आपने निकालना है। इससे क्या होगा, शीरा क्लियर हो जाएगा। खीर विधो ब खाण जहाँ चमचा, खीर विझण का पो इनके हल्को हल्को ये मथा झाग लाइंदा वो, जी दाल जे मथा इंदो है ना, इन तरीके से खंड जो जो किचरो होंद इनमें निकली, ठीक है। हाँ ऐसो ये सफ़ा क्लियर थी, हाँ मथा झाग अड़ी न पे चे जिमें किचरो हो, ठीक है। ये सारी झाग मैंने निकाल दी है, बस जो रह गई वो साफ़ है बिल्कुल, जो थोड़ा सा मैलापन था ना वो निकल गया। ये हो गया एक प्रोसेस। अब हम इसमें क्या डालने वाले हैं, अब हम इसमें डालने वाले हैं, जब आप देखेंगी ये देखें फिंगर्स मेरी चिपक रही हैं, ठीक है, इतना ये गाढ़ा हो गया है। अब ये जो हमने छान के रखा था केड़ी का मिक्सचर, ये सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। हाँ अंबड़ी जो जो मिक्सचर आए ना, सजो छाने जो रखियो इनके अंदर विचंदा से पूरा मिक्सचर आपने अच्छी तरह उतारने, ज़ाया ना करें, मेहनत से बना हुआ है, तो ये सारा मिक्सचर आपने उतार लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तुम बताओ छा हलाई नहीं, काथे गायब हो सफा? घर सेट करो मुश्किल है, घर के समेटन जो शिफ्टिंग करी ना फॉरन आसानी से थी, वही वापस जो बीच घर में वादा ना शूँ गोलन ढो दुख थे, तो कड़ी किसी कि दुख फिटाण जल्दी थी वो ठाण दुख है वही ना टाइम लगे तो इलाही बेजार थी हाँ तबियत क्या तुम ठीक है? दिखो सुठो ठायो अंडा या नरगिसी कोफ्ता जी जी अई करेला भी ट्राई कर जो घर है आज दिए जो असा ठाया हा। अच्छा ठाया सुठा ठाया एदा सुठा जितनी तारीफ करजे उतनी करता है। हेलो मेहरबानी तमाम खणी आई हां अज वारी भी रेसिपी दिस जो करेला ठाया पियो है थोड़ा मुख्य ये जरूर ठाइना से करेला वही वणंदा ने लई हां करेला सबनी के वणंदा है। बताई तबीयत ठीक है? बिल्कुल हां तबीयत ठीक है बेटा, अल्लाह जो करम है अच्छी तरह मिक्स किया, अच्छी तरह ये मिक्स हो गया मिक्सचर। अब हम इसमें क्या डालेंगे, काला नमक। काला नमक हर जगह इजीली मिल जाता है, काला नमक आपने इसमें डाल देना है भर के एक से डेढ़ चाय का चम्मच, तकरीबन डेढ़ चाय का चम्मच मैंने काला नमक डाला है। कारो लूण विधो है डेढ़ चाय जो चम्मच, ढो ज़बरदस्त ये ठो ठीक है, ये शरबत ढो ज़बरदस्त ठो, ज़रूर इनके ट्राई कजो। काला नमक डाल दिया डेढ़ चाय का चम्मच, डेढ़ चाय का चम्मच काला नमक डाल के मिक्स करें। अब हम इसमें नॉर्मल जैसे हम नमक यूज़ करते हैं ना सालन वगैरह में, वो आपने इसमें डालना है आधा चाय का चम्मच।
डेढ़ चाय का चम्मच काला नमक, आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है नॉर्मल वाला नमक। अब चूल्हा हल्का करूँगा क्योंकि बॉयलिंग आके बाहर की तरफ गिरना ना शुरू हो जाए, ठीक है। अब हम इसमें क्या डालेंगे, इलायची का पाउडर एक चाय का चम्मच, एक चाय का चम्मच इलायची का पाउडर। नंढे फोटन जो पाउडर हिंजी तास जेका हुंदी आहे ना ॾाढी थधी हुंदी आहे तासीर, जॾहिं तास लॻे थी न असांखे गर्मी लॻे थी, दिलि कंदो आहे अहिड़ो शरबत हुजे, अहिड़ो पाणी हुजे, की बिल्कुलु त ही ॾाढो ज़बरदस्त। हिन खां अंबड़ी में वाइटमिन सी आहे ऐं हिते असां हिन में इस्तेमालु कयूं पिया नंढा फोटा, ठीकु आहे। कॉल वठूं था, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फैज़ा भाई। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ फैज़ा भाई। बीनी कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। मैंने आपसे रंग से असर टोटका पूछा था ना। किस चीज़ का? जी मैंने पूछा था ना मेरा कलर खराब हो गया, 3 मंथ हुए शादी को। वो 2-3 टोटके आपको मिल गए थे उसी दिन? जी जी सर, मैं यही कह रही, मेरी सास कह रही इतनी गोरी कैसे हो गई, झाग मारी है टोटके। अच्छा तो मैंने कहा भाई फैसल भाई ने फरजाना शागिर से पूछे थे, उनका थैंक यू, फैसल भाई का थैंक यू कर दूं मैं। चलें बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा इसको कंटिन्यू रखिएगा। मेरी सास को ठीक करने का भी कोई टोटका बताएं। किस चीज का? मेरी सास को ठीक कैसे करूं मैं? प्यार और मोहब्बत से। उनका दिमाग बहुत हाई फाई, उनकी जबान कैसे ठीक करूं? ऐसे नहीं बोलते, पता है सास भी माँ की तरह होती है, कभी भी इस तरह नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, बहुत गलत। वो माँ नहीं लगती, सास ही लगती नहीं है। ऑन ईयर ऐसे नहीं बोलते, और यहाँ पे प्लीज ऐसी बातें ना करें, सबकी माएँ एक जैसी होती है। वो अच्छा, आप फैसल भाई ओके, अपना ख्याल रखें। मुझे बालों के लिए बता दें, बाल घने करने के लिए। अब वो मुझे नहीं पता, मैं इंशाल्लाह बता दूंगा, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। वही वारो, ठीक है। अच्छा इसमें हम डालेंगे, अब क्या डालेंगे, देखें इसमें छोटी इलायची का पाउडर एक चाय का चम्मच डाला, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ जीरा भुना कुटावा एक चाय का चम्मच, अच्छो जीरो तए जे मथा सेके कुटे एक चाय जो चम्मच, ये डाल के मैं इसको पका रहा हूँ, ठीक है। पोलियो जो कतरा पांजे बारन के प्यारो जमण का वठी 5 साल जी उम्र ताई बाकायदगी सा पांजे बारन के पोलियो जा कतरा प्यारो, छाकाण त पोलियो अड़ी वबा है जेको नस्लू तबाह करी छडंदी आ, ठीक है। त पांजे एरिया में जरूर इंदा हुंदा, तांजे गिटिन में गलिन में पोलियो जी टीम इंदी आ, त इनन के मना ना कंदा कयो, साहेकार कयो उन्हनि सां ज़रूर पंहिंजे ॿारनि खे, ऐं हिकिड़ा काफ़ी माण्हू जो मां ॿुधियो छा कंदा आहिनि, मार्कर हणी छॾंदा आहिनि ऐं चवंदा आहिनि असां प्यारे छॾियो, इहो शइ न कयो। हाणे तव्हां जज़्बात में ई कमु कयो, पर बाद में त माण्हू अलाह न करे को मसलो थी वियो, सॼी उमिरि जो मसलो हूंदो, नसलूं सॼी नसल दर नसल ई मसला हलनि था, पूरी दुनिया में ख़तमु थी वियो आहे, पाकिस्तान मां अञा कोन वियो, काफ़ी शहरनि में अञा हले पियो ॻोठनि में, त महिरबानी करे हिन खे ख़तमु कयो। अगरि नथा अचनि गलियुनि में, पोलियो सेंटर आहिनि, वैक्सीनेशन सेंटर आहिनि, हॉस्पिटल्स आहिनि, हुते वञी पोलियो जा कतरा हर जॻह बसुनि में ट्रेनुनि में हर जॻह मां ॾिठा आहिनि, माण्हू बूथ ठहियल आहिनि प्यारनि पिया, ठीकु आहे। पंहिंजे ॿारनि खे हर महीने बाक़ाइदगी सां प्यारियो 5 साल जी उमिरि ताईं, ठीकु आहे। फ़ैसिलो अॼु करिणो आहे, अगरि तव्हांजे ॿार खे सुभाणे हलणो आहे, ठीकु आहे। तमामु बहितरीन तरीक़े सां हीअ टीम प्यारे पई पंहिंजे ॿारनि खे, ऐं अगरि तव्हांजे एरिया में नथा अचनि त 1166 हिननि जो नंबर आहे, हेल्पलाइन नंबर, हुन ते बि कॉल करे सघो था 1166 ते। अब ये देखेंगे इसमें जब बॉइलिंग आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे हम लेंगे ग्रीन फूड कलर, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा ग्रीन फूड कलर मैं इसमें डालूँगा, जैसे केरी का छिलका होता है ना, क्योंकि केरी का वो है शरबत, तो केरी का कलर देने के लिए, अगर ना डालें तो ना डालें। थोड़ा सा मैंने इसमें ग्रीन फूड कलर डाला, इसको हल्की आंच पे पकने देंगे, थोड़ा ये गाढ़ा होगा, एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आके रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेका रेसिपी ठही पए, हे तव्हांजे साम्हूं हिते ठहे पई, शरबत असां तयारु थिए पियो, 10 मिंटनि खे पचणु ॾींदासीं। पोलियो जे बारे में तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां, पोलियो जा कतरा पंहिंजे ॿारनि खे बाक़ाइदगी सां प्यारियो, ॼमण खां वठी 5 साल ताईं जी उमिरि जे ॿारनि खे हर शहर में, हर ॻोठ में, गली कुर्च में, हर जॻह अचनि था, पोलियो जी टीम ईंदी आहे, हुनखे कॾहिं बि मना न कंदा कयो, वेलकम कंदा कयो, ऐं ॿारनि खे चीच जे मथां मार्कर हरी न ग़लति फहमी पैदा कंदा कयो, की असां लॻाई छॾी आहे, हिन में को नुक़सानु न आहे, को हराम शइ न आहे, को अहिड़ी काई शइ न आहे, ताक़तवर हिन मां ताक़त बि अचे थी ॿारनि में, ऐं ॾाढी ज़बरदस्त आहे, ऐं अॻियां नसल वधाइणी आहे पंहिंजे ॿारनि जी, ख़ुदा न ख़ासा को माज़ूरी अची वञे, बाद में पछतायो, हिन खां बहितर हाणे पंहिंजे ॿारनि खे ऐं दुनिया जे तक़रीबन सॼे मुल्कनि मां
खत्म थी चुको है। सिर्फ पाकिस्तान अड़ो मुल्क है जिनमें पोलियो जहाँ कुछ शहर गोठन में अना हलन पे केसिस अचन पे मेहरबानी करे हर बाकायदगी से बार के जिम्मेदारी से जी खाण पीण की जिम्मेदारी है स्कूल की पढ़ाई घर की जिम्मेदारी इन तरीके से बार के पोलियो जहाँ कतरा भी बाकायदगी से पियारो अगर तेजे एरिया में ना अचन सेंटर टैपन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अस्पताल जी गवर्नमेंट जहाँ उतें वनो हर शहर में हर गोठ में होंगे गवर्नमेंट अस्पताल उतने वही बाकायदगी से पियारो वो भी नो मिले 1166 मोबाइल का नंबर मिलाओ हेल्पलाइन नंबर है पांजे गली जो एरिया जो पांजे बारन जिला यो करे सको ता छाकण ता फैसलो अजी करणो आ जो अगर ताजे बारन हे सुभाने पंद करणो आ ही ताजे हाथ में आ पांजे बारन जो मुस्तकबिल बचायो। शरबत हमारा तैयार हो रहा है, इसको मजीद 10 मिनट पकाते रहेंगे। खूबसूरत कलर इसका आएगा, ग्रीन फूड कलर डालेंगी तो इससे क्या होगा कच्ची केरी का जैसा कलर होता है ना वो कलर आएगा। अब जो करेले हमने भर के रखे थे ना करेलों को हमने क्या करना है पतीला लेना है, पतीले में जिसमें हमने मसाला बनाया था ना उसी में अगेन यहाँ पे डालेंगे 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, सिर्फ 2 खाने के चम्मच पर टेबल स्पून कुकिंग ऑयल भी। तो कुकिंग ऑयल डाल के ऑयल को फैला दें, ठीक है। ऑयल को फैलाने के बाद जो मसाला बच जाएगा ना करेलों से, ये देखें बचा हुआ मसाला ये नीचे डाल दिया, जेको मसालो बची हो ये हेठ भी। तो इस तरीके से बनाएं बहुत ज़बरदस्त बनेगा, ठीक है। ये मसाला आपने फैला देना है, चूल्हा बिल्कुल हल्का करेंगे, 10 मिनट इसको दम पर लगाएंगे ताकि जो मसाला ठंडा करके हमने करेलों में भरा था मसाला फ्राई हुआ हुआ कच्चा नहीं है, ठीक है। करेले भी हमारे फ्राई हैं, बस ये क्या इसको गर्म हो जाएगा थोड़ा दम पे आ जाएगा तो और ज़बरदस्त हो जाएगा। ये हो गया, अब जो करेले यहाँ पे हमने फ्राई किए हुए थे मसाला भरा ये देखिए करेलों के अंदर, इसको सीधा रखना है ऊपर की तरफ इसका मुँह करके, कट जो लगे हुए मसाला आपने इसमें भरा और ये सारे करेले इस तरह ऊपर आपने रख देने, इसको लगा देंगे दम पे और इसको आप रोटी के साथ खाएँ, चावल के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं, ठीक है। जैसे रूखे भी खाएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा दूसरी चीज़ बता दूं कि मैंने इसमें केरी डाली, अब केरी का मौसम है केरी डाली, अगर केरी नहीं पसंद या केरी जैसे मौसम नहीं, अब इसको देखें कवर कर दूंगा सिर्फ 10 मिनट के लिए हल्की आँच पर ताकि इसके अंदर अच्छा सा स्टीम बन जाए थोड़ा गर्म हो जाए, ठीक है। केरी की जगह आप फिर क्या करेंगे अनारदाना, अनारदाना हर जगह मिल जाता है, साफ़ सुथरा लें देख के लें, अगर थोड़ा मिट्टी वाला है तो उसको पानी में भिगो दें, आधा कप जितना अनारदाना या थोड़ा से ज़्यादा हो तक में 8 खाने के चम्मच अनारदाना, 6 से 8 खाने के चम्मच अनारदाना होगा, उसको गीला करके आपने थोड़ा भिगो के थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा फिर पानी उसका फेंक के उसको आपने दरदरा सा कूट लेना है, कूट के फिर वो अनारदाना आप डालें उससे ज़बरदस्त फ्लेवर बन जाएगा। अभी केरी का सीज़न है तो मैंने केरी ऐड की, ठीक है। अंबड़ी जो मौसम है अंबड़ी भी दिया उनका भी फ्लेवर ढो सुनो न तो अनारदाना जो डाड़ू जहाँ बीजा है ना वे तक खड़ो अध कप जितना तक 6 खा 8 खाने जहाँ चमचा पानी में पिसाइज 10-15 मिनट चंगी तरह धोए जो पानी फिटो के छो उनके उखरी मोरी में कुटे वो मसाले से गर भरे छो जल्द मिक्स करें फ्राई कर दो ना जैसे मसाला तो उनमें कचो तो ढा ज़बरदस्त आंदा वे भी अंबड़ी से गर भी। ये हमारा जब शरबत तैयार होता है ना इसका लुक कैसे पता चलेगा कि इसका ये देखें ये बिल्कुल इस तरह एक साइड में सारा मिक्सचर आके जमा हो के ये देखें इस तरह ये बिल्कुल तैयार हो गया, ठीक है। ये हमारा शरबत बिल्कुल रेडी हो गया, झाग सी इसके ऊपर जो आके बन गई है और बबल्स बन रहे हैं इसमें, गाढ़ापन आपको खुद ही नज़र आएगा। अब इसका चूल्हा बंद करेंगे, उसको आपने बिल्कुल छोड़ देना है सारा दिन रूम टेम्परेचर पे पड़ा रहे, सारा दिन ये पड़ा रहेगा रूम टेम्परेचर पे तो उससे क्या होगा कि जब बिल्कुल ऐसा हो जब हम शरबत वो वाला गोल वाला स्पून दें मुझे गोल जो है बड़ा तो इस तरह होगा कि जब हम शरबत लेके आते हैं ना जैसे पानी होता है नॉर्मल तो ये वैसा हो जाएगा, तो उससे फिर आप रख सकती हैं और जिस बोतल में आपने रखना है उसमें पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए, पानी का एक ड्रॉप भी नहीं होना चाहिए, बोतल बिल्कुल साफ़ होगी। गर्म पानी से बोतल को धोएं, शीशे का कोई जार है तो उसको गर्म पानी से धोएं, फिर मलमल के कपड़े से या टिश्यू से साफ़ करें, पानी का कतरा लगेगा तो आपका शरबत जल्दी ख़राब हो जाएगा, जाला पकड़ेगा, फफूंदी आ जाएगी। हाँ शरबत असा तैयार थी तो ही तमाम गर्म शरबत है तमाम ताकि सिर्फ ठाण से खाना पो तो इनके थदो कर रखी छो जो जैसे ठाण हो ग्लास में तीजी ठाई कॉल वूँ तो असल कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो हेलो जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? से। जी कुछ कहना चाहेंगी? जी हमें करेले की रेसिपी दिखाना और कलेजी की भी। करेले तो बन रहे हैं आप देख रही हैं? कलेजी की मैं इंशाल्लाह अब थोड़ा सा वेट करें, कलेजी का भी सीज़न आने वाला है, ठीक है। जैसे ईद भी आ रही है तो बहुत सारी चीज़ें हम बनाएंगे तो कलेजी के मैं उसी में बना दूंगा रेसिपी, ठीक है। वैसे मैंने चिकन कलेजी बनाई थी रमज़ान से पहले, आपने शायद मिस कर दी है, यूट्यूब पे देख सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, ओके चलो हाफिज़।
यूट्यूब पे हमारा चैनल बना। ये देखिए मैं ग्लास में भर रहा हूँ, अभी ये गर्म है, आपको नज़ारा होगा गर्म, ठीक है। लेकिन सिर्फ इसका रिज़ल्ट दिखाने के पानी में इसका टेक्सचर कलर क्या आता है, वरना आपने बिल्कुल ठंडा करके आपने इसको यूज़ करना, ठीक है। हाँ ही सफ़ा गर्म आए वो भी माँ विधो है, पानी इनमें विझंदासी थदो पानी विझी इनके डिजोल्व का जो आइस क्यूब्स विझो आई पुदने जा पत्ता अगर विझण चाहे तो वो भी कटिंग करे विझी सको था। काफ़ी मानो शौक सा पीन जो कलर के दो ज़बरदस्त अचे पे, बिल्कुल अंबड़ीन वालो कलर अचे पे, बिल्कुल केरी की तरह इसमें कलर आ रहा है। इलायची है इसमें, काला नमक है, ज़ीरा भुना कुटा हुआ है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शरबत है। ये आप 6 महीने तक रख सकती हैं, फ्रिज में रखिएगा, बाहर नहीं रखिएगा। और अगर आप इसको ज़्यादा चलाना चाहती हैं, ज़्यादा बना रही हैं, तो फिर टाटरी होती है ना लेमन सॉल्ट जो हम टाटरी लेते हैं, वो आपने इसमें आधा चाय का चम्मच मिला देना है, ठीक है। आधा चाय का चम्मच टाटरी पाउडर मिला के फिर आप इसको रखेंगी तो ये 1 साल तक भी ख़राब नहीं होता। लेकिन फ्रिज में रखिएगा, बाहर नहीं रखिएगा। जो शरबत हम कंपनीज़ के लेके आते हैं बाहर रखते हैं, वो अलग चीज़ होती है, इसमें केमिकल्स डले होते हैं। ये बिल्कुल होममेड है, तो इसको आप केरी का सीज़न है तो आप रोज़ भी बना सकती हैं, हफ्ते में बना सकती हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ज़्यादा रखेंगी तो आप ज़्यादा, एक और चीज़ बता दूँ कि केरी को अगर आप 1 साल तक दिल करता है बाद में भी आप यूज़ करें तो केरियों को छीलें, ठीक है। छीलने के बाद उसको क्यूब्स काटें, क्यूब्स काट के आपने क्या करना है, पैकेट्स बनाएं, पैकेट्स बना के आप फ्रीज कर दें। एक बड़ा डीप फ्रीज़र आपके पास, 1 साल तक भी आप फ्रीज कर सकती हैं जब तक दूसरा सीज़न है। जब आपने यूज़ करनी है निकालें, अपने हिसाब से आप उसको यूज़ करें, चटनी बनाएं, सालन में डालें, शरबत बनाएं, इस तरह कर सकते हैं। आम भी आप इस तरह बहुत सारा लेके, अगर आप आउट ऑफ सीज़न खाना चाहते हैं तो आम को भी आपने पीसेस क्यूब्स करके आप फ्रीज कर दें, पूरा साल आप खा सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज आती हैं, स्ट्रॉबेरीज भी इस तरह कर सकते हैं, चेरी भी कर सकते हैं। हे असांजो शरबत तैयार थी वियो, इनमें बर्फ विझी तां इनके सर्व कंदो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फजल भाई क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मौसम कैसा आपके सिटी का? अच्छा है मौसम, रात को बारिश हुई है, थोड़ी गर्मी कम हो गई है। अब कम हो गई होगी ना, गर्मी बारिशें शुरू हो गई हैं इस तरफ बहुत ज्यादा। आज बहुत मैंने कॉल किया, 100 दफा की है, बस नंबर बिजी मिलता था। अच्छा, असल में माशाल्लाह से कॉलर्स बहुत ज्यादा है ना, तो लाइन बिजी जा रही होती मुसलसल ना जी, बहुत ज्यादा आज मैंने कॉलिंग की है लेकिन नंबर नहीं मिल रहा था। चलें ठीक है, और कोई फरमाइश करनी है आपने, कुछ पूछना है? मैं कहती हूँ एबटाबाद में तो कैरी नहीं मिलती, तो क्या करें? एबटाबाद में कैरी नहीं मिलती? नहीं मिलती ना, कभी मैंने कभी नहीं देखी एबटाबाद में। हरिपुर में, हरिपुर में उसका मुझे नहीं पता। हरिपुर, हरिपुर से मंगवा ले, आप लोग के तो करीब है ना हरिपुर तक, मैम आधे घंटे का रास्ता है। हाँ जी, आधा पौना घंटा लगता है। मैंने एक दफा देखी थी हरिपुर में, केरियाँ थी वहाँ पे ना, मैं जाता हूँ ना इस साइड तो मार्केट वगैरह में, तो आप वहाँ से मंगवा लें, रख लें। चलो उधर पता करवा लेंगे, मैं अब तो बाद में पिछले साल भी ढूंढती रही, मुझे नहीं मिली। अच्छा अच्छा, हाँ शायद हो सकता ना मिलती हो, बहुत सी ऐसी चीजें जो एबटाबाद में मिलती है वो यहाँ नहीं मिलती, बहुत सी चीजें जो यहाँ मिलती वहाँ नहीं मिलती ना, वो सीजन का मौसम का। एक तो कड़ी पत्ते नहीं मिलते, कड़ी पत्ते भी आप कोई आने जाने वाला हो ना तो मंगवा सकते हैं कड़ी पत्ते। तो वो अगर खुशक करके रखते तो फिर खुश करके, जैसे हम पुदीना रखते हैं ना उस तरह आप रख दें, पूरा साल तक खराब नहीं होते वो। अच्छा चलो, कराची आने जाने वाला कोई ना कोई होता है। चलें ठीक है, अगर मेरा आने का हुआ ना उस तरफ तो मैं फिर यहाँ पे बता के आऊँगा, फिर आप मुझसे ले लीजिएगा कड़ी पत्ते, ठीक है? अच्छा जी, मेरा नंबर अपने पास रख लो ना। मेरे पास आपका नंबर नहीं आता क्योंकि मैं, देखें कंट्रोल रूम हमारा ऊपर होता है, मैं यहाँ पे स्टूडियो में हूँ, तो वो नंबर आपका वहाँ CLI में अगर आया तो आया, तो आप मेरा नंबर ले लें उनसे। अगर आप अगर आए तो फिर मैं कैसे मुझे पता चलेगा? वो अभी तो नहीं जाऊँगा लेकिन जब जाने का हुआ ना तो फिर मैं इंशाल्लाह ज़रूर लेके आऊँगा, ठीक है? चलो ठीक है, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अब देखें 10 मिनट हो गए, ये देखिए मैंने इसको हटा दिया, सिर्फ क्या था इसको स्टीम देनी थी, थोड़ा गर्म करना था, करेले हमारे फ्राई हैं और इसको आपने निकाल लेना, ठीक है। करेला असांजा फ्राई थे लेन हेरे सो मैं कटा पियो, ज़बरदस्त असांजा करेला तैयार थी वेन इन तरीके से ठाए जो करेलन के धागो बदन की जरूरत ना है। पहली फ्राई करे छो एक कप ऑयल से अगर पो इनमें तो मसालो भर दो, ठीक है। पहले आपने करेले फ्राई करने फिर आपने इसमें मसाला भरना है। इस तरह करेले बनाएं, 1 किलो में दरमियाने साइज़ के करेले लेंगी तो 12 करेले आपके आ जाएंगे, ठीक है। अगर बड़े साइज़ के करेले रखेंगी तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो इस तरह करेले आप बनाएं। ये बहुत ही यूनिक सी डिफरेंट सी मैंने आपको रेसिपी बनाना सिखाई है ताकि धागे वाले चक्कर से आप लोग बच जाएं, तो ये आपने ज़रूर ट्राई करने और कल की रेसिपी देखिएगा, कल भी हम मज़ेदार रेसिपी बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, अब इसका जो मसाला बच गया वो भी निकाल देता हूँ।
इनको हेठा मसालो है ना, ही दिसो ये सड़ो को मसालो बेहतरीन तरीके से दम से रख दो तो हल्की बाहे से तो दई छो। ये भी जो मसाला बचा है ना, इस मसाले को भी आपने ज़ाया नहीं करना, ये मसाला आपने यूँ किनारों में डाल देना, ठीक है। इस तरह दोनों साइड पे किनारे पे आपने मसाला डालना है और ये भरे हुए करेले ज़रूर ट्राई करने। कल की रेसिपी देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनाएंगे। कल भी आप लोग की फरमाइशें ही हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं देखता हूँ क्या है कल, तो देखिएगा ज़रूर प्रोग्राम। फिर हफ्ते में 3 दिन होता है और सुबह 9 बजे रिपीट चल रहा होता है, ठीक है। शरबत अभी मैंने पतीले में छोड़ा हुआ है, आप लोग ने बिल्कुल पतीले में छोड़ देना शरबत को, जब बिल्कुल वो ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा ना, तो फिर आपने शरबत को बोतल में भरना है, ठीक है। केरियाँ जिन इलाकों में नहीं मिलती, करीब कोई सिटी है तो वहाँ से मंगवा लें। कि देखिए हमारे हो गए करेले तैयार भरे हुए और उसके साथ हमारा केरी का शरबत हो गया तैयार, ठीक है। भरियल करेला तैयार थी गया अहिंसा गर जो अंपड़िन जो शरबत तैयार थी। सुबह हलंदो 9 बजे रिपीट, ठीक है। सिंध टीवी HD कुकिंग शो असा जो यूट्यूब से चैनल थियल है उते रेसिपी अपलोड थी वी। सिंध टीवी HD कुकिंग शो या कुकिंग विद फैसल यूट्यूब पे सर्च करें, मेरा नंबर है 0314-267-5311। व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज कर सकती हैं, वॉइस मैसेज कर सकती हैं 0314-267-5311। व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करें, कोई भी चीज़ पूछनी हो, कोई हेल्प चाहिए हो, आप कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, कल आपसे मुलाकात होगी सेम टाइम पे 4 से 5 मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक दुआ में याद रखेंगे, अपना बहुत सा ख्याल रखेंगे। सुबह 9 बजे रिपीट हलंदो 0314-267-5311 मुझे व्हाट्सअप नंबर है, सुबह 9 बजे रिपीट में ॾिसजो। सुबह जी रेसिपी मिस न कजो, मज़ेदार ब रेसिपीज़ ठाहींदासीं। पंहिंजो खोड़ सारो ख्याल रखंदो, दुआ में याद रखंदो। हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो दिसो HD क्वालिटी में। विजिट करियो असांजो यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD कुकिंग शो।